पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारी गाड़ी रास्ते में फंस गई थी, उसका वीडियो लेकिन मैं आपको नहीं दिखा पाया था। तो हमारे विश्वसनीय सूत्रों से मुझे उसका वीडियो प्राप्त हुआ है, तो मैं आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ वो वीडियो कि कैसे हमारी गाड़ी रास्ते में फंस गई थी, उसे कैसे निकाला गया था। जो लोग बोलते हैं कि हमें बाइक से लद्दाख जाना है, लेह जाना है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि इतना भी आसान नहीं होता है बाइक से जाना, क्योंकि इस तरीके की परेशानियाँ रास्ते में आती रहती हैं। हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं हूं जय दुबे और इस चैनल का नाम है द वेजिटेरियन ट्रैवलर। एज यू नो कि हम लोग हैं लद्दाख में और आज हमारा है पांचवा दिन, नहीं शायद छठा दिन। दिन याद ही नहीं रहते हैं जब आप लद्दाख में होते हैं। तो अभी तक हम लोग बहुत सारी साइट्स विज़िट कर चुके हैं, लद्दाख के बहुत खूबसूरत खूबसूरत हम जगह को देख चुके हैं, और आज हम लोग जा रहे हैं पेंगोंग लेक, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है लद्दाख का, जिसको आपने कई जगह टीवी में देखा होगा, कई मूवीज़ में आप लोगों ने उसको देख रखा है। तो हम लोग हैं पेंगोंग लेक के रास्ते में, और रास्तों के जो नज़ारे हैं वो तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपनी लद्दाख ट्रिप में मैंने बहुत सारे ब्यूटीफुल रास्तों को कैप्चर किया हुआ है, और मेरा आपको सजेशन है कि इन वीडियोस को आपको टीवी पर देखना चाहिए। अगर आपके टीवी पर यूट्यूब चलता हो तो आप ज़रूर उसमें इन वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। जब मैं शूट कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं इसे कितनी बार देखूँगा, बार बार देखूँगा, क्योंकि इनसे नज़र हटाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी ब्यूटीफुल से आपके लिए। हम लोग डिस्किट से आ रहे हैं पेंगोंग लेक के लिए। डिस्किट में हम लोग रुके हुए थे। 229 किलोमीटर का ये रास्ता है, लेकिन इसको पूरा करने में लग जाते हैं 6.5 घंटे। 229 किलोमीटर 6.5 घंटे में, क्योंकि यहाँ पे घुमावदार रास्ते हैं जिससे हमें ज़्यादा टाइम लग जाता आने में, लेकिन ये टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि जब आप इन रास्तों को देखते हुए आगे बढ़ते हो तो ऐसा लगता है ये रास्ते कभी ख़त्म ही ना हो। इतने आई कैचिंग व्यूज़ हैं, इनके बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद देख के समझ पा रहे होंगे इस समय हम लोग क्या फील कर रहे हैं इन रास्तों को देख कर। ड्राइवर साहब बता रहे हैं लगभग 15 से 20 मिनट में हम लोग पेंगोंग लेक पहुंचने वाले हैं और हमारा इंतज़ार होने वाला है ख़त्म। ये सब लैंडस्लाइडिंग के नतीजे जो आप देख रहे हैं, क्योंकि हिमालय के पहाड़ बहुत कच्चे हैं, कभी भी लैंडस्लाइडिंग यहाँ पर होती रहती है। और ये हम लोग पहुँच गए हैं पेंगोंग लेक, और ये है फर्स्ट व्यू हमारे सामने। I'm so much fascinated by this beautiful scene and by what we have here on this earth. इतनी खूबसूरती इस दुनिया में समाई हुई है कि हम कुछ भी नहीं देखा है हमने अभी तक। अब हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर हमें स्टे करना है, जहाँ रुकना है, झील बहुत लंबी है। थिंक क्लीन यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन कलर के बोर्ड पर, उन लोगों को मैसेज देने के लिए लिखा है जो इतनी खूबसूरत जगहों पर जाते हैं और वहाँ पे कचरा, प्लास्टिक का कचरा और कुछ भी कचरा फैला के आते हैं, गंदा करते हैं उन सब जगहों को, ऐसे लोगों के लिए लोगों ने ऐसा मैसेज लिख रखा है। ये जो खूबसूरत सी पेंगोंग लेक आप सामने देख रहे हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका 30% हिस्सा ही केवल भारत में है, 70% हिस्सा ये चाइना में है इस झील का। और आप सोच सकते हैं चाइना बॉर्डर हमारे कितने पास है, हम लोग तैर के जाएं तो चाइना पहुंच सकते हैं, लेकिन मिलिट्री हमें जाने नहीं देगी। अब बारी है ये टेंट्स हम लोगों के सामने आ गए हैं, कैंप्स दिख रहे हैं यहाँ पे बने हुए, शेल्टर हैं जो कि टेम्परेरी बने हुए हैं, यहाँ पर पक्का निर्माण नहीं किया हुआ है, तो इनमें आप लोग रुक सकते हैं, हम लोग भी अपना टेंट ढूंढेंगे क्या। अभी कुछ सालों में यहाँ पे ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उनके लिए यहाँ पे रुकने की फैसिलिटीज़ भी अच्छी हो गई हैं। उस ज़्यादा पहले लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि एक हिडन प्लेस हुआ करता था, लोगों को पता नहीं था इतनी अच्छी ब्यूटीफुल जगह इंडिया में भी है, और हम हैं इस जगह पर पहुँच चुके हैं।
हम लोग पेंगोंग लेक के किनारे किनारे चल रहे हैं और करीब हमें आधा घंटे से ज़्यादा हो गया इसके किनारे चलते हुए। हम लोग अपनी डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ रुकने की जगह मिलेगी। कोई गांव आएगा आगे, वहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं। पिछला वाला गांव हमने छोड़ दिया, वहाँ पे काफ़ी कैंप्स बने हुए थे, लेकिन अब हम अगले गांव की तरफ जा रहे हैं। हम लोग वहाँ स्टे करेंगे। हम लोग पहुंच गए हैं उस गांव में जहां पे हमें स्टे करना है। यहां पे काफ़ी सारे घर बने हुए भी दिख रहे हैं और कैंप्स भी बने हुए हैं पेंगोंग लेक के किनारे किनारे। तो अब हमें ढूंढना है कि हमें कहां रुकना है। पेंगोंग लेक में थोड़ा पानी की कमी थी तो यहां पे हमारे अयान बाबू ने उसे पूरा कर दिया है। किसने बताया? हम लोगों को अभी तक कोई रुकने की जगह मिली नहीं है, तो हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं, कोई कैंप या कोई टेंट या कोई होटल हम लोगों को मिल जाए, क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए हैं और हम लोग रुकना चाहते हैं। फाइनली हमें जगह मिल गई है, यहाँ पे कुछ टेंट्स अवेलेबल है तो हम लोग इनमें रुकेंगे। ये व्यू है जो हमारे टेंट से दिख रहा है। सामने पेंगोंग लेक है, उसके पीछे हिल्स हैं, उस पर बर्फ़ की चादर चढ़ी हुई है। काफ़ी सुंदर सा व्यू है और यहाँ पर रुकने में अलग ही मज़ा आने वाला है। और ये हमारे टेंट्स हैं जो कि अंदर से भी काफ़ी अच्छे हैं। हम लोग आ गए हैं पेंगोंग, यहाँ स्टे करने वाले इन टेंट्स में, जो कि बहुत लग्जरी हैं अंदर से। थोड़ा बहुत परेशान हुए हम लोग और बहुत से लोगों से भी मिले जो अब हम बहुत गुड एक्सपीरियंस करने वाले हैं टेंट्स में। देख पा रहे हैं आप, छोटे सी जगह में काफ़ी अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है। बेड, सोफ़ा और यहाँ तक कि बाथरूम भी इन लोगों ने अरेंज कर रखा है। बाथरूम में आप अगर देखेंगे तो ये देखिए मिरर और टॉयलेट शीट और यहाँ छोटे से विंडो वेंटिलेशन के लिए इन लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है। काफ़ी अच्छा इन लोगों ने अरेंजमेंट किया हुआ है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमें मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पर सॉकेट्स नहीं मिले हैं, चार्जिंग की कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो मोबाइल चार्ज हमारे नहीं हो पाएंगे, थोड़ी देर में डिस्चार्ज होकर बंद हो सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर आके अगर आपका फ़ोन बंद भी हो तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोकेशन इन्जॉय करने आए हैं। फ़ोन तो आप घर पर भी यूज़ कर ही सकते हो। और ये है वो जगह है जहाँ पर हमें खाना, चाय, नाश्ता सब कुछ मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल, तो यहाँ पर हम लोग अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। स्टिल यहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं है, फ़ोन चार्ज करके वीडियो शूट करना है। आफ्टर गेटिंग फ्रेश वी आर मूविंग टूवर्ड्स पेंगोंग। इन टेंट्स में आने के पहले हम लोग एक होटल में गए थे। होटल क्या, दो तीन कमरों का एक होटल हम लोगों ने बना रखा था। उनकी जो ऑनर थी उनका बड़ा ख़राब बिहेवियर हम लोगों से था। हालांकि वो इन टेंट्स से थोड़ा सस्ता था, लेकिन व्यवहार उनका बड़ा ख़राब था। ये टेंट हम लोगों को 2500 रुपये पर टेंट में पड़ा है, जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। आई थिंक इट्स वर्थ द मनी। और अब हम लोग पेंगोंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप सामने गाड़ियों की पार्किंग लगी हुई है, यहीं गाड़ी पार्क करेंगे, उसके आगे हम लोग पैदल पैदल जाएंगे। बहुत मस्ती हम लोग करने वाले हैं पेंगोंग लेक पे जाके, लोकेशन का मज़ा लेंगे। ये ड्रीम डेस्टिनेशन है मेरी, हमेशा से रही है। आगे के वीडियोस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वेजिटेरियन ट्रैवलर। कीप लविंग अस।